पधा में से 13 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। डीएनए टेस्ट से शवों की पहचान होगी, ये एएनआई की ओर से जानकारी दी जा रही है। इस हेलीकॉप्टर में कुल मिलाकर 14 लोग सवार थे और 13 लोगों की मौत की पुष्टि। डीएनए टेस्ट से शवों की पहचान होगी। जो आइडेंटिफिकेशन होता है उसके लिए डीएनए टेस्ट किया जाता है, क्योंकि जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि जो बॉडीज रिकवर की गई हैं वो 70-80% जली हुई हैं। ऐसे में कई बार ये डीएनए टेस्ट भी करना पड़ता है बॉडीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, और इसीलिए ये डीएनए टेस्ट वहां पर किया जाएगा। डीएनए टेस्ट से शवों की पहचान होगी, ये एएनआई की ओर से जानकारी दी जा रही है। तो हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे और इस हादसे में 14 में से 13 लोगों की मौत हो गई है। तो बहुत ही भीषण हादसा, बहुत ही दुखद हादसा, और पूरा देश बेचैन है जैसे ही खबर आई दिन में। और उसके बाद के जो अपडेट है, जो इन्फॉर्मेशन है, लगातार हम आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर जो जानकारी दी जा रही है वही हम उसका इंतजार करते हुए आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये एक भरोसेमंद चैनल है और हम नहीं चाहते